अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मेरी पिंचों के, तो पिंचों में ये बच्चे पड़े हैं। और इसके अंदर इन लोगों ने पर डाले गए हैं, इसमें भी पर डाले गए, अंडे हैं इनमें। और क्या कहते हैं ये, इसमें भी अंडे हैं। इसके अंदर इन्होंने पर डाल दिए और मुझे तो लगता है कहते थे ये परों में इन्होंने अंडे अंडे दबा दिए। इसमें भी अंडे और ये मेरी कुंडली है, तो ये दो मुंह वाली कुंडली है, इसमें अंडे हैं। इसमें भी बच्चा है, निकाल के देखते हैं। मैं देखना चाह रही थी कि एक और बच्चा तो नहीं है, लेकिन इसमें एक ही बच्चा परों में ऐसा छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा। इसमें अंडे होंगे, और मेरे में एक बच्चा है। अंडे ही हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये खाली है मेरे ख्याल में, इसमें अंडे। तो मैं असल चीज़ दिखा रही थी आपको, ये जो बच्चा है ना, एक ये बच्चा है। अब मैं इसके साइज़ का देख रही थी, तो इसके अंदर है तो मैंने इसके अंदर ये बच्चा रख दिया। अब ये छोटा चिपकली का बच्चा जैसा लग रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो मैं ये इसमें रख देती हूँ। ये बहुत भूखा है बेचारा, देखो अगर बच गया तो इसके नसीब। यहाँ अंधेरा काफ़ी हो रहा है और मेरी ये पिंचें बड़ी परेशान हो रही हैं, आप देख रहे होंगे। इसलिए मैं इधर नहीं घुसती ज़्यादा, छोटे जानवर हैं ये लोग। आज मैंने कहा आपको अंदर घुस के भी दिखा दूँ, ये सारी भाग रही हैं। दिल सारा हाथ लगा लूँ बोल रही हैं, गर्मी का मौसम है और अंडे बच्चों का मौसम भी कह रहे हैं, लेकिन है ना ये सिंचे अपने बच्चे फेंक रहे हैं।
अब ये बच्चे शुरू हुए निकलना थोड़े बहुत, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह और निकलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। इसके कुंडी का मैंने ढकना कहीं और रख दिया। ये ढकने गिरा गिरा के इतना तोड़ती है ना, तकरीबन आप देखेंगे तो है ना इनके ढकने गायब हैं सारे, इन्होंने गिरा गिरा के तोड़ दिए हैं। मैंने यहाँ की सफाई सफाई कर ली है, मैंने ये है ना ये रख दिया है टूटा हुआ, ताकि इसके अंदर ना बच्चे घुस जाएं, बच्चे इसके अंदर घुस जाएंगे तो फिर ये बच जाएंगे दूसरी चिड़ियों की तशद से। तो मैं ये इसको नमक को भी यहाँ रख रही हूँ, इस साइड में ही रखती हूँ ताकि अगर ज़्यादा चिड़ियाँ आए ना। ये फिलचों का ना कल मैंने पर रखे थे, आप देख रहे हैं अब ये मेरे फिलचे हैं, अब इन पर नए ढकने रखूँगी, इसलिए मैं बाहर से दिखाती हूँ कि ये अंदर से तो बिल्कुल ही काला काला नज़र आता है। वहाँ से मेरे तोते ही बड़े डरे हैं, वो उनका एक बच्चा निकला दो तीन बच्चे निकले और अभी वो बात नहीं है बच्चे निकलने में, जैसे पहले निकल रही थी 8-10 बच्चे निकलते थे, अब वो बात नहीं है। कहते हैं गर्मी के मौसम में चिंचों का अंडे बच्चे होते हैं, लेकिन ये कुछ टेढ़ा ही मसला है, जैसे ये टेढ़ी हुई है। देखिए बच्चा बैठा हुआ उड़ गया, ये एक वहाँ से चिपका हुआ है, बच्चों को बचाने के लिए तो ऐसी चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए जो ऐसी हो, मजबूत भी हो और दबे नहीं। अब ये मैंने मजबूत सा रख दिया, अब जो भी बच्चा निकलेगा ना उसके अंदर चला जाएगा। अभी मैंने देखा है कि इतने अंडे बच्चे नहीं हैं, सिर्फ चंद अंडे बच्चे हैं, पहले भी दो बच्चे गिरा के मार दिए थे, अब फिर रात दो फेंके थे, मैंने आपको प्याले में दिखा है वो मैंने डाल दिए साइड वाले, देखते देखो उनके नसीब, अगर वो पल जाते हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी देगा तो बच जाएंगे, वरना फिर वही बात है। इसको मैं सीधा कर रही हूँ, जो टेढ़ी एड़ी है क्योंकि अब मौसम आने वाला है, तो अब इन सब के ना ढकने वकने लाऊंगी और इसमें रखूंगी, और जो कुंडियाँ टेढ़ी हैं उनको सीधी करूंगी। ये अपने वजन से झुक जाती हैं, तार हो गए पुराने, बहरहाल वो खुद ही मैनेज कर लेती हैं, जब घोंसले बनाती हैं ना खुद ही मैनेज कर लेती हैं कि उनको करना क्या है। सारी बेचारी चीज़ें यहाँ जमा हो रही हैं, कुछ अपने घोंसले देख रही हैं, अब इनका डर आस्ता आस्ता मुझसे निकल गया है क्योंकि ये नीचे आ गई हैं, ये देखो सारी मेरे पास आ गई हैं। ये जावे भी देख रहे हैं मेरे को, ये साइड में जावे हैं दिख रहे हैं, ये जाल लगा हुआ और ये चिंचे हैं,
अब इन बेचारी अभी बेचे नहीं देखे। अब मैं मूवी को एंड करूँगी ताकि ये अपने कुंडलियों का चेक कर लें। इनकी एक बहुत गंदी आदत होती है कि इनको अगर कोई घास डाल दो तो अंडे बच्चों पे ही रख देती हैं ले जाके। दूसरे परिंदे ऐसे नहीं करते, ये ज़्यादा ही है ना, कुछ मनचलियाँ हैं। अभी मैंने एक वो हैं जो सिर्फ इंचों का काम करते हैं, लड़का है पठान, उसका मैं नाम नहीं लूँगी। उसने मुझे अभी मैंने उसकी मूवी देखी थी वीडियो, उसमें वो बता रहा था कि उसकी फिंचों के नीचे एक गंदा सा अंडे से नमूदार हो रहे हैं, यानी बहुत बड़ा है कि ना गोली से नमूदार हो रही है, लाल पीला है का। वो डॉक्टरों के पास भी गया, बहुत से डॉक्टरों के पास में जाके हमें दिखाया कि भाई मैंने इनका पोस्टमार्टम भी कराया। अल्लाह का शुक्र है 8 साल से मैंने फिंचे उनसे पाली हैं, लेकिन है ना मैंने कभी ऐसा मसला नहीं देखा। उसकी बहुत सी चिड़ियों में देखा मैंने। बस एक ही दवा जो मैं आपको रिपीट करती हूँ वो आप हफ्ते में एक दफ़ा या दो दफ़ा दे दें गर्मियों में, सर्दियों में इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये दोनों बच्चे आके बैठ गए। सर्दियों में उस दवा की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप क्या कहते हैं इसको रेगुलर हफ्ते में दो दफ़ा दे देंगे या आप हफ्ते में एक दफ़ा भी दे देंगे यानी महीने में 4 दफ़ा, तो इंशाल्लाह वो आपका ना मसला कभी नहीं होगा। जो उन्होंने दिखाया उनके पास माशाल्लाह बहुत सिंचे हैं, उन्होंने एयर कूलर भी लगा दिया है, फिर उनके गिर्द वो लगा दिए हैं ग्रीन नेट। इनको नेचुरल माहौल मुहैया किया जाना चाहिए। एक बल्ब ये जलता है गर्मी हो या सर्दी, पहले यहाँ बड़ा पीला बल्ब जलाती थी वो गर्म होता। सारी फिंचे यकीन माने आज भी इसके नीचे जमा होकर बैठती हैं, यानी इनको गर्मी लगती तो है लेकिन इतनी शदीद नहीं लगती कि इनमें एयर कूलर चला दिया है, पानी भर के रख दें बस। आप इन्होंने नहाना होगा नहा लेंगे, और जब बर्ड्स को गर्मी सर्दी का खुद ही मुकाबला करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये मर जाए। मैं ग्लूकोज का पानी देती हूँ जब या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। देखिए बेचारे के साल में डर जाते मेरे सामने, तो मैं उनको ना ग्लूकोज विटामिन डी वाला देती हूँ, कैल्शियम देती हूँ, लेकिन बहुत सारे मिनरल वगैरह नहीं देती क्योंकि इनके खुराक में जो मैं दे रहे हैं हम लोग वो बहुत ही कुछ है। जैसे डबल रोटी भिगो के दे देना, हफ्ते में कैल्शियम का पानी दे देना, लेकिन मैं महीने में देती हूँ क्योंकि कैल्शियम रखा है। वो कैल्शियम बहुत ज़्यादा खाएंगी आप, उनको ज़बरदस्ती खुराक में भी देंगे, वैसे भी ये पड़े कैल्शियम लगावा भी है कैल्शियम, तो इतना कैल्शियम या मिनरल देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेरे पास फिश बोन पड़ा हुआ है, ये कैल्शियम है, और मैं बच्चे रखने के लिए ये छुपाने के लिए रखा है नमक रखा है। वो पीला बल्ब है जो मैं ना सर्दियों में लगाती हूँ, लेकिन एक इतनी गर्मी में भी एक बल्ब रेगुलर जलता है आप यकीन मानिएगा। अभी लाइट गई हुई है इसलिए आपको नज़र नहीं आएगा। मैं अक्सर देखती हूँ उस बल्ब के नीचे दो तीन चिंके बैठी हुई होती हैं और सेक रही होती हैं अपने आप को, क्योंकि यहाँ एकदम वो नहीं है ना, धूप का इतना रुख नहीं है। अंडे बच्चों की लालच में आप अपने बच्चों फिंचों को बहुत ज़्यादा विटामिन ना दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुराक में बहुत विटामिन रखे हैं। जब हम बगैर विटामिन के इकट्ठे करते रहते हैं दो रोटियाँ खा के, तो ये भी इंशाल्लाह मैं इनको रोटियाँ सूखी बहुत बारीक कुचल के वो भी भिगो के दे देती हूँ, ये बेचारी ना वो भी खा लेती हैं। तो आप इनको रोटियाँ बिल्कुल बारीक, इतनी बारीक हो आटे की तरह, उनको वो बिल्कुल कूट के और पानी डाल के फेंक के फिर वो रख दें, फूल जाएंगी वो खा लेंगे। डबल रोटी भिगो के हल्की सी नम करके दे दें वो खा लेंगे।
बच्चे किंगनी खा रही हैं, बारीक किंगनी खा रही हैं, और क्या खाएंगे। मैं इनको कोई अभी है ना ग्रीन फूड नहीं दे रही, सिर्फ लौकी देती हूँ। आजकल लौकी वाला नहीं आया तो इनको लौकी नहीं दी, वो लौकी काट के रख देती हूँ। लौकी माशाल्लाह बहुत खाती हैं, नोच नोच के बिल्कुल वाइट इसका ख़त्म कर देती हैं, तो मैं इनको लौकी ना देती हूँ। और मेरे ख्याल में कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है, वो अपने अंडे पे जाके बैठ गए अंदर निकली। अब ये मुझसे मानूस हो गई हैं, देखी भी है ना शिकल उन्होंने, पहले घबरा रही थी, अब मानूस हैं तो ये देखो कितनी दुबली पतली है। तो जो उन्होंने वो बीमारी दिखाई है ना, तो वो कोई एक्स्ट्रा विटामिन खिलाने से, एक्स्ट्रा विटामिन खिलाने से उनकी चिड़ियों के नीचे ये गंद की पोटली जमा हो गई है, जिसे वो कह रहे हैं गोल गोल, उसमें बहुत गंद है। तो वो जाहिर है जब कोई मादा जमा होता है, थोड़े की शिकल में ही निकलता है, तो कहीं पर भी निकले, तो आप चिड़ियों को अपने ये फिंचों को इन्हीं खुराक पे रखें, और ज़्यादा कैल्शियम मिनरल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं। हाँ देना भी है तो महीने में एक या दो दफ़ा दें, क्योंकि रोटी भी खा रही हैं, चिंगनी भी खा रही हैं, लौकी भी खा रही हैं, और अभी मैं इनको वो लूसन नहीं दे रही हूँ, नहीं तो लूसन भी बहुत खाती हैं। चौक पे गर्मी है तो मैं खुद ही है ना थोड़ा, और ये बल्ब के नीचे आराम से ये बैठी रहती है। जब ये कमज़ोर हो जाती है या किसी को बुखार उखार ऐसा होगा तो इस बल्ब के नीचे बैठ जाती है, इसकी गर्मी ज़्यादा नहीं होती। इसका देखो पल कैसे नोचे हुए हैं, ये होते रहते हैं हाथ साथ। मेरी जो पिंचों का नुकसान हुआ है सिर्फ है ना चिपकलियों की वजह से हुआ है, और किसी वजह से नहीं हुआ है। माशाल्लाह देखें एक टाइम में कोई ना कहते थे इनको एक्स्ट्रा मिनरल्स देती हूँ, ना कोई कैल्शियम देती हूँ। अगर कैल्शियम भी देती हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी, वो होम्योपैथिक का कैल्शियम है जो हड्डियों को, और उसमें विटामिन डी वगैरह सब कुछ है। वो आधी चमची है, एक चमची चाय के एक लीटर पानी में करके सारे परिंदों को देती हूँ, लेकिन हफ्ते में नहीं, महीने में, क्योंकि वैसे ही कैल्शियम इतना जो खा रहे हैं तो मेरे तो वो नहीं है कि जो ना इनको एक्स्ट्रा कैल्शियम दिया जाए। मैं वो कैल्शियम जब देती हूँ जब हफ्स हो, बहुत शदीद गर्मी हो, ताकि ये गर्मी से मुकाबला कर सकें। और विटामिन डी का जो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह दूसरी मूवी में किसी, क्योंकि यहाँ तो मैं ला नहीं सकती, तो वो उसको पानी में डाल के विटामिन डी का क्या कहते हैं उसको ग्लूकोज, तो वो सादा ग्लूकोज होता है। मैं कोई कलर वाला कोई कुछ नहीं देती परिंदों को, कोई कलर वाला कोई लेमन वगैरह और ये है ना एक्स्ट्रा ऑरेंज का जूस ये पिलाने की ज़रूरत नहीं है। सादा ग्लूकोज सिर्फ हफ्त के मौसम में, महीने हफ्ते में एक दफ़ा, और जैसे अभी गर्मी पड़ रही, अब पड़ नहीं गई, बादल आए हैं, तो मैं कुछ नहीं दे रही इनको, कंगनी दे रही हूँ, लौकी देती हूँ, और ये तो एक्स्ट्रा आप देख ही रहे हैं कितना सारा कैल्शियम रखा हुआ है। और बच्चों के लिए ये टूटी कुंडली रखी हुई है ताकि मैं उसके अंदर अब जो निकले, लेकिन अभी इनका मौसम मुझे नहीं लग रहा है। सर्दियों में मैंने बहुत बच्चे देखे अभी के माशाल्लाह, कुछ मैंने ना दूसरे उसमें भी शिफ्ट कर दिए, अब देखिएगा इंशाल्लाह वो इनका रिजल्ट। अब देखें माशाल्लाह सेहतमंद हैं, किसी विटामिन की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप चिंगनी दें इनको, अगर बारीक बाजरा आपकी पसंद करती है, सुनकर मैंने आदत नहीं डाली, पहले ये खाती थी, बारीक बाजरा भी मिक्स कर दें, लेकिन डबल रोटी और पापे वगैरह इनको ज़रूरी दें जब बच्चे हों रोज़ाना की बुनियाद पर। रोटी सुखा के बिल्कुल खुशक खलखल हो जाए, उसको बारीक कूट के उसका आटा सा निकाल के वो इनको भिगो के दे दें, लेकिन लई ना बने, लई नहीं खाती है किसी चीज़ की भी। और आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी मालूमाती वीडियो को, ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नसीब है वो होगा, ये हिफाजत बहुत है। बस यह है कि चिपकलियाँ वगैरह घुस जाती हैं, तो इनके भी हमने
स्प्रे मंगा के रखे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है निजात मिली हुई। चलें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। और किसी को अगर कुछ मालूम करनी है दवाओं के बारे में तो ज़रूर मालूम कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।